दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं तो ऑस्ट्रेलिया को आज वो कहते हैं ना शीशा दिखा दिया, शीशा अपनी शक्ल देखो, अपने इल्जाम देखो, और जो आप लोग इल्जाम हम पे लगा रहे थे वो इल्जाम देख लो। क्योंकि मैं आज याद दहाड़ी दिला दूँ, ऑस्ट्रेलिया ने कहा था, स्टीव स्मिथ ने कहा था, लेफ्ट हैंडर्स के लिए बड़ी मुश्किल पिच है और लेफ्ट हैंडर्स के लिए बीमारी हो गई लेफ्ट हैंडर्स के साथ, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कि लेफ्ट हैंडर्स के लिए यहाँ ड्राई छोड़ दिया गया है, लेफ्ट हैंडर्स तो खड़ी नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे लेफ्ट हैंडर, इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने दोनों ने रपाटेदार 50 मार के दो ही लेफ्ट हैंडर्स खेलने टीम इंडिया की तरफ से, और टीम इंडिया के दोनों लेफ्ट हैंडर्स ने रपाटेदार 50 मार के इंडिया को 150 के करीब उनकी लीड पहुंचा दी है। और ऑस्ट्रेलिया सब जाके सवाल पूछ रहे हैं, हाँ भाई और कोई हुक्म हमारे लायक, और कुछ आपने करना करवाना है वो भी बता दीजिए। वो अपॉइंटमेंट की टीम को आप लोग बॉल टेम्परिंग बना देते हैं, और मैच शुरू होने से पहले आप लोग बोलते थे लेफ्ट हैंडर्स तो यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे, तो ये अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने कैसे स्कोर कर दिया मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर ये लेफ्ट हैंडर्स के लिए इतनी मुश्किल विकेट है कि लेफ्ट हैंडर्स तो यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, लेफ्ट हैंडर्स तो यहाँ स्कोर कर ही नहीं सकते थे, तो 66 रन किस तरह मार दिया रविंद्र जडेजा ने, 170 बॉल किस तरह खेल गया रविंद्र जडेजा अपनी टीम के लिए, 102 बॉल अक्षर पटेल कैसे खेल गया 52 रन के लिए, 8 चौके अक्षर कैसे मार गया, 9 चौके रविंद्र जडेजा कैसे मार गया, कोई मुझे इस बात का जवाब दे दे। जितने वो क्रिकेट के ज्ञानी बनते हैं ना, वो जो वो कल्चर वाले आ जाते हैं कि जी बीमारी हो गई विकेट के साथ और ये बड़ी बीमारी कर दी है, होम एडवांटेज का मतलब ये नहीं होता, सिंगल हैंडेड कर ले, इस विकेट के ऊपर दो ही चीजें साबित हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप भी नहीं खड़ी हो सकी, उनके लेफ्ट हैंडर्स भी नहीं खड़े हो सके, उनकी उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो इंडिया को 177 के अंदर आउट भी नहीं कर सकी, और जो इंडिया के लेफ्ट हैंडर्स है वो उनको भी नहीं आउट कर सकी, इंडिया के कप्तान से वो सेंचुरी खा गई। तो कोई इस बात का जवाब देना, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल से निकल के आते हैं कि नहीं जी ये देखें ये तो बेमानी कर रहा है बीसीसीआई, ये तो इंडिया ने बहुत बड़ी बेमानी कर दी लेफ्ट हैंडर्स के लिए, यहाँ क्रैश डाउन कर दिया। रपाटेदार थप्पड़ मारा है हर एक क्रिटिक के मुंह पे रविंद्र जडेजा ने, जो कल रविंद्र जडेजा की 50 को रविंद्र जडेजा की 5 विकेटों के ऊपर उसको शक की निगाह से देख रहे थे, उसकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर रहे थे। मैं तो कल ही कह रहा था कि मत करो इसी तरह, क्योंकि आप लोग रविंद्र जडेजा के हाथों खाए जाओगे, और वो रविंद्र जडेजा को कल जो बेमानी का इल्जाम लगाया वो आज बेमानी आज आपके साथ आप लोग पछता रहे होगा ऑस्ट्रेलिया मीडिया के, हमने क्यों छोड़ दिया एक सोएवे शेर को, वो भी वो अपने हीरोइक कमबैक पे, और रविंद्र जडेजा ने आज दुनिया को दिखा दिया भाई इज कॉल्ड द टेस्ट नंबर 1 ऑलराउंडर इन द टेस्ट, और क्यों इंडिया 6 महीने से क्या चीज मिस कर रहा था रविंद्र जडेजा की शक्ल में। व्हाट एन अमेजिंग फाइट बैक बाय रविंद्र जडेजा, क्योंकि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी कर्टन्स हो जाएंगे, इंडिया 62 पे खड़ा हुआ था लीड पे, हो सकता है या नहीं इंडिया 100-110 तक ही मैनेज कर ले, लेकिन इंडिया आज का दिन का अख्ताम एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन पे कर रहा है जहां गाड़ी की ड्राइवर सीट पे इंडिया बैठा हुआ है, और शीशे से बाहर एक तरफ जडेजा ने मुंह निकाला हुआ है, एक तरफ अक्षर पटेल ने मुंह निकाला हुआ है, और स्टीव स्मिथ को आवाज लगा रहे हैं और मार्नस लबुशेन को आवाज लगा रहे हैं, हाँ भाई वो कौन से लेफ्ट हैंडर की विकेट नहीं, जहां लेफ्ट हैंडर आउट हो जाते और लेफ्ट हैंडर तो खड़े ही नहीं हो सकते थे। ये एक बहुत बड़ा जीता जागता लेसन है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए। और जहां से आज बारी रुकी है कल वहीं से शुरू होगी, लीड का बोले तो 144 रन्स की मैसिव लीड है, एंड वी बिलीव दैट दिस लीड शुड बी इनफ कि मैच इंडिया अपने नाम करे। एक स्टेज पे जब केएस भरत आउट हुए, हम लाइव भी थे आपके साथ ही यहां पे, तो वो एक मोमेंट था जब कहीं ना कहीं थोड़ी सी होप मिली होगी ऑस्ट्रेलिया को कि हम कोशिश करके लीड जो है वो 80 75 85 रन के आसपास हम विकेट ले जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उस मोमेंट के बाद अक्षर पटेल भी शुरू में काफी ज्यादा गेंदें ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत शानदार किस्म की इनिंग्स खेली है और अभी तक खेल रहे हैं, 50 किया अपने करियर का दूसरा, और बहुत ही शानदार और शानदार। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये टीम इंडिया को इम्तियाज दूसरी टीमों पे हासिल है, अक्षर का, जडेजा का, अश्विन का, इनका एक्सपीरियंस विद बैटिंग, बैटिंग में ये जो एज देते हैं इंडिया को, ये हर टीम के बस की बात नहीं है, और तमाम टीमें उम्मीद ही कर सकती हैं कि इस तरह की शानदार बॉलिंग के साथ साथ तीन या दो ऐसे बंदे कि जो बैटिंग में भी 30 35 40 रन की एवरेज रखते हो, तो यार किसी टीम के पास ये वाली लग्जरी नहीं है, लेकिन टीम इंडिया के पास है। 23 रन सुबह भी करके गया वो अश्विन, अच्छे 23 रन करके गया, उसके बाद ये जो दोनों भी खेल रहे हैं 50 50 करने के बाद, नॉट आउट है, ये भी बॉलर है, तो ये जो बॉलिंग ऑलराउंडर ये टीम इंडिया को मजबूती फराहम करते हैं ये किसी और टीम के पास नहीं है, खास करके मैं आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिन डिपार्टमेंट में। तो ये इसी वजह से इंडिया ऑल ओवर प्लेयर्स बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस दिखा चुका है। ऑलराउंडर नहीं है भैया, हमें तो पता है ऑलराउंडर, लेकिन उनके लिए तो वो बॉलर से समझेंगे ना, ये बॉलर ने आके इतनी एंड पे बल्लेबाजी कर दी कि बुरा हाल करके रख दिया। जडेजा ने तो रन किए ही किए, अक्षर पटेल ने बड़े जबरदस्त किस्म के रन किए, अक्षर पटेल ने तो कहते हैं बड़ी सुपर किस्म की इनिंग्स खेली है, जो एंड पे उसने कैमियो दिया है, मजा आ गया देखने का। अगर मैं बात करूं आज के जिसको कहते हैं दिन की, तो शुरुआत जिसको कहते हैं इंडिया की अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी, आते साथ विकेटें गिरी, लेकिन उसके बाद जिसको कहते हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रोहित शर्मा ने जिसको कहता ना दिखाया कि भाई इस पिच के ऊपर ऐसे बल्लेबाजी करनी, और जडेजा की तो मैं क्या ही बात करूं ना, मतलब कि मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा है परफेक्ट ऑलराउंडर, इससे अच्छा
तरह याद है, जब ये इंजर्ड हुआ था उससे पहले भी ये टेस्ट के अंदर बड़ी सुपर किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखा रहा था। मुझे अभी तक इसकी वो इनिंग्स नहीं भूली जिसमें इसने 175 रन नॉट आउट खेले थे, इसके बाद डिक्लेयर हो गई थी, उसके बाद उस मैच के अंदर इसने विकेट भी सबसे ज्यादा ली थी। तो ये जो ऑलराउंडर है ये बहुत जबरदस्त किस्म का ऑलराउंडर, मैं इसको समझता हूँ, और आज उसने दिखाया है यार। मतलब कि पिच जिसको कहते हैं ना, इतनी भी जिसको कहते हैं इजी पिच नहीं थी जितनी इंडिया के बल्लेबाजों ने इसको बना दिया, कि ऐसा लग रहा था जैसे पिच में कुछ है ही नहीं, इतनी स्मूथ बल्लेबाजी हो रही है। अक्षर पटेल को आप देख लो, उसने क्या शॉट्स खेली है, उसने जितने भी चौके मारे आप उसके चौके देखे कैसे वो गैप में खेल के मार रहा था, मतलब कि लग ही नहीं रहा था। बैटिंग करने पिच पे तो आपको थोड़ा सा मतलब केयरफुल रहना पड़ता है, लेकिन एक बार आप जज कर ले पेस को, बाउंस को, हर चीज को, टर्न को, तो उसके बाद यू जस्ट हैव टू फोकस एंड इट्स गुड फॉर बैटिंग, देन यू कैन मेक रन्स, बट यू कांट रिलैक्स फॉर इवन वन बॉल बिकॉज़ रोहित शर्मा पर खत्म होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेले, क्या बैटिंग की है, लेकिन वो आपको पूरी पूरी वीडियोस में ये बता नहीं पाएंगे कि आज की बैटिंग असल में क्या थी, असल में क्या थी, ठीक है। तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर हीट ऑफ द मोमेंट भी आएगी, बहुत सारी चीजें भी आ जाएगी, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ज़हीर अब्बास, आप में से बहुत से नौजवानों ने, इवन मैंने भी उनको लाइव खेलते हुए नहीं देखा, मेरी उतनी उम्र है नहीं, बट ज़हीर भाई जो है उन्हें एशियन ब्रेडमैन कहा जाता था, और जिस तरह से वो खेलते थे, तो ज़हीर अब्बास ने एक बड़े मशहूर इंटरव्यू में वहीद खान साहब को कहा कि मैं रोहित शर्मा को जब खेलते हुए देखता हूँ तो मुझे गूज बम्स आते हैं, यानी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रोहित शर्मा उन्हें बहुत प्यारे लगते हैं, इसका मतलब कि उनकी बैटिंग ऐसी होती है, इनक्रेडिबल एफर्टलेस। और फिर मैं अभी इस बात को लाकर कनेक्ट वहां करूंगा कि मैं वर्ल्ड कप और उसके बाद या उससे पहले से ये कह रहा हूं कि रोहित शर्मा की कोई फॉर्म वॉर्म नहीं गई है, जैसे विराट कोहली का कोई और मसला था, रोहित शर्मा का इन दिनों मसला सिर्फ उसकी फिटनेस है। और फिर हम पिछले एक महीने से ये बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा जब से ब्रेक लेके आए हैं उनकी फिटनेस बेहतर हो गई है, और उनकी फिटनेस दो साल में जितनी अच्छी नहीं थी उससे बेहतर हो गई है, यानी कि किसी हद तक उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया है। और आज की बल्लेबाजी जो दुनिया आपको बता रही होगी क्या खेले रोहित शर्मा, कैसा खेले, लेकिन बता नहीं पाएंगे आखिर तक क्या खेले। मैं बताता हूं, खेले वो ऐसा है कि जहां पर बॉल आता था मीटर टर्न कर रहा है, और जहां बैकफुट पर जाते ही आप बॉल को ब्रेक करते और बॉडी लाइन से आप हटा लेते अपने आप को, जैसे एक दिन बाबर का डिसमिसल था, आज कोहली का भी डिसमिसल, बॉडी लाइन से समेट लिया और डाउन द लेग साइड कैच हो गए। ये भी बल्लेबाज की क्वालिटी का फर्क होता है। फर्क क्या है, रोहित शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया, हमेशा बॉल की लाइन पे गए, बट अपनी बॉडी जोन का एक वजूद है जो इन दोनों थोड़ा सा ज्यादा है, उस वजूद को हमेशा तैयार रखा कि अगर बॉल इतना स्पिन होगा तो मेरी बॉडी इधर होगी, मैं बॉडी को समेटूंगा नहीं, जो मैं बल्ले को टैकल करूंगा ऐसे ऐसे मनूवर करूंगा विद दी स्पिन बैट से, क्योंकि उन्हें अपने बैट पर पूरा भरोसा है, उन्हें दूसरे के बल्ले में जीतने की आदत नहीं है, हमेशा अपना ही उगाया है उन्होंने, और आज भी उन्होंने अपना ही उगा के खाया है। ये फर्क है रोहित शर्मा की क्लास का, ये वो फर्क है जो मिस कर रहे थे, ये वो वजह है कि इंडिया में जज्बाती फैंस एक तरफ, लेकिन मैनेजमेंट और क्रिकेट खेले हुए लोग ये जानते थे रोहित शर्मा को बुलाओ, उससे बात करो, उसे बताओ कि आपके पास अब भी 3-4 साल की क्रिकेट हम देख रहे हैं, बट आपका ये जो बल्कि वेट है, ये जो चकोर पेट हो रहा है, ये मसला है, आप मसला नहीं है, आप फिटनेस पर काम करें, आप मुंबई इंडियन के 5-7 मैच बैठ जाएंगे तो मौत नहीं आ जाएगी, क्योंकि असल काम है आपका आपके मुल्क भारत को मैचेस जितवाना। दोस्तों, जिस तरह से इंडिया टीम ने आज बैटिंग की, पहले रोहित शर्मा ने जिस तरह से फटलेस बैटिंग की उसे देखकर पूरी पाकिस्तान मीडिया में तहलका मचा हुआ है, और उसके बाद दोनों लेफ्ट हैंडर अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने बैटिंग की, उससे ऑस्ट्रेलिया टीम को बाहर कर दिया। तो दोस्तों, इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच कितना दिन में जीतेगी, अपनी कीमती राय देना मत भूलें।